बबुआ, आप तो बता दे हमको तू कहाँ ले जा रहा था और तेरा मेरा झगड़ा क्या है। अरे भाई, तेरे साथ हमारा कोई झगड़ा नहीं। माखन सिंह ने कहा था अगर तुझको लेके जाके उसको वहाँ छोड़ दे तो हमें 50,000 रुपया मिलेगा। 50,000? हाँ। अरे ये तो फायदे का धंधा है, बोल 50-50 करेगा? वो क्या, आधा आधा? अरे नहीं, हमको 50,000 रुपया चाहिए, बहुत जरूरत है। और अगर 50,000 रुपये से ज्यादा आ गया तो? वो कैसे? देख, चक्रधारी एक चक्कर चलाएगा, चक्कर चलता रहेगा, माल आता रहेगा। ये ले, और ले चल मुझे माखन सिंह के पास। के चल। थोड़ा ऊपर ठाकुर। ठाकुर, तुम जिंदा लाने को कहते ना, इसलिए थोड़ी देर होगी, नहीं तो साले की लाश को कल ही तुम्हारे दरवाजे लगा पटक देता। क्या इधर तो कुल्ला है, कोई दरवाजा नहीं है, चार पहाड़ है, 1.5-2 अदद घोड़ा है। एक ही शौक था बचपन से, बोलने का शौक था। जब मैं पैदा हुआ ना, पैदा होते ही मैंने कहा मैं कहा हूँ। बीमार सिंह जी। सरदार डाकू भाई, ये बीमार सिंह है तो सेहतमंद सिंह को आवाज मत दीजिए। अभी तुम्हारी बोलती बंद कर देते हैं। नहीं ठाकुर, इसका जो कुछ भी बंद करना है तुम कर दो, लेकिन हमारा 50,000 हमको दे दो। आओ। हाँ बेटे, ये लो बीमार सिंह, ये लो तुम्हारा इनाम। हमारा इनाम नहीं, हमारी मेहनत है। मेहनत तो मैंने भी आधी की है, आधा हिस्सा मेरा भी होना चाहिए। तुम्हारे लिए हमारे पास गोलियां बहुत हैं। बोल कितनी खाएगा? आज नहीं, आज उपास है हमारा, आज हमारा करवा चौथ का व्रत है। अरे नहीं नहीं ठाकुर, ठाकुर होके ये अधम मत करो। पहले तो मरने वाले की आखिरी इच्छा पूछ लो, फिर इसको मार दो। ठीक है, तुम्हारी बात भी रखते हैं। बोल चक्रधारी, तू कैसी मौत मरेगा? बड़ी मौत। बचपन से यही इच्छा थी कि मैं बड़े लोगों की तरह मरूं, इसलिए पाल पोस के अपनी गर्दन को मैंने मोटा ताजा तगड़ा बनाया है। मुझे फांसी का फंदा चाहिए। बीमार सिंह, मरने वाले की आखिरी इच्छा पूरी की जाए, उस पेड़ पर कोई मोटी तगड़ी डाल ढूंढकर इस मुद्दई की औलाद को लटका दो उससे। थैंक यू ठाकुर डाली, बाय बाय धर्मु डाली, कमान बीमार डाली। ठाकुर ठाकुर, पहले हमको दूर जाने दो, हम फांसी लगते नहीं देख सकते। हाँ चल निकल ले। हाँ तो चक्रधारी, अंडा पसंद आया? हाँ बहुत चकाचक है। बस अफसोस अब यही है कि तुम्हारी गर्दन लंबी हो जाएगी। ले अफसोस कौन बात का, बचपन से हमारी यही ख्वाहिश थी कि हमारी सुराहीदार गर्दन हो। अच्छा है, तो जीप चलवा दें? हाँ चलवाए दियो। मुद्दई की औलाद, जीप खिसका लो, फर्स्ट में डाल के निकाली हो। अब चक्रधारी का चक्कर शुरू हो गया है। अब तुम माखन सिंह के पास जाओगे, वो दोबारा तुमसे कहेगा मुझे पकड़ने के लिए, और हमको फिर से 50,000 रुपया मिल जाएगा। कौन सी जेल में पड़े हो बबुआ, अगर दोबारा जुर्म करो तो सजा दुगनी मिलती है। अबे किशनलाल, फेंक फेंक। अरे नहीं, अरे इतने सारे पैसे के साथ देख लेगा तो जेल भिजवा देगा। नहीं नहीं, अब ये हमको तड़ीपार, आज फिर यहाँ क्या रामलीला का नाटक कर रहे हो? धर्मु देखिए, वो हनुमान है जो राम को भी बिगाड़ देगा। तुम दोनों यहाँ इस सुनसान जगह में क्या कुतर पुतर कर रहे हो? हम लोग भरत मिलाप कर रहे हैं। भरत मिलाप? भरत मिलाप जी। तड़ीपार, अगर मैंने अपना टेंपर टाइट कर दिया ना, टेंपर लूज हाँ लूज कर दिया ना, तो तुम दोनों का मिलाप कभी नहीं होने दूंगा, समझे? चलो जाओ, इधर नहीं, आज तुम उधर जाओ। धर्मू चलो तुम इधर, चलो गेट आओ। Oh,
चलो, पैसे की थैली पानी में चली गई। अच्छा ही हुआ चली गई, अपने पैसे तो वैसे ही पानी में जाने वाले थे, शराब में जाने वाले थे, मगर तुझ जैसे शरीफ आदमी के साथ ये नहीं होना चाहिए था। एक बात बता, इतने पैसे के साथ तू करता क्या? बोल। तेरी आंख में आंसू? हमारा साला भाग्य खराब है, पैदा होती अनाथ हो गया हम, फिर जिनको मां जाना उनकी नजर में भी चोर बन गए। चोर? हाँ, उनके सारे जबर हमसे चोरी हो गए। चोरी क्या भैया, यूं समझो हमसे कोई धोखा करके सारे जेवर ले गया। और तुम्हारी माँ ने तुम्हारी बात नहीं मानी? माँ तो मान जाती, लेकिन वो ससुरा मुनीम आग में घी का काम करता रहा। कहने लगा, ठकुरैन हम तो बोलते थे नौकरों पर भरोसा नहीं करो। और माँ बेचारी भोली उसकी बातों में आ गई, बोली जा धर्मू तू घर से निकल जा, और आज से ये जान ले तू मां खो बैठा। लेकिन भैया हम तो मां नहीं खो सकते भैया, सच पूछो तो संसार में जो कुछ भी हमारे पास है वो हमारी मां है और कुछ नहीं। तू तो फिर भी खुशकिस्मत है दोस्त, तेरे पास कोई तो है अपना कहने वाला। मुझे देख, ना कोई भाई कहके पुकारने वाला, ना बेटा कहके पुकारने वाली। लेकिन भैया हम तो मां होते हुए भी अनाथ हो गए, जब तक कहीं से पैसा लगकर हवेली ना छुड़ा दूं मां मुझे चोर ही समझेगी, बेटा का घर कभी नहीं पुकारेगी। अरे तू फिक्र मत कर यार, देख तुझे 50,000 रुपए चाहिए ना? हाँ। अब तेरी मां का एक बेटा नहीं, दो बेटे, मैं तुझे 50,000 रुपए दिलवाऊंगा, तेरी मां दोबारा तुझे बेटा कहेगी। लेकिन भैया चक्कर चलाऊंगा, तू देख, मक्खन सिंह के पास चल। लो ठाकुर फिर पकड़ ला, अब की बार होशियारी से फांसी लगाना, अगर ये जिंदा रह गया ना तो मुझे मार डालेगा। हाँ आपने कहा था अगर पकड़ लाए तो फिर मुझे 50,000 रुपया मिलेगा, तो लाओ मेरी मजदूरी। हेलो, अरे ये हुई ना बात, लो पकड़ो। काहे मरने वाले की आखिरी इच्छा नहीं बताओगे क्या? अरे हम क्या बताएंगे, पूछो इस अपराधी से। इस बार वो अपराधी अकेला नहीं है, उसके साथ एक और भी है। और कौन? जो उस दिन चक्रधारी को छुड़ा कर ले गया था। जरा पानी पीकर आता हूं। सलाम सर। हाँ वापस आओ। हम क्या किया? सलाम सर। हाँ तो चक्रधारी अब बोल तू कैसे मरेगा? चक्करधारी का तो चक्कर ही उल्टा हो गया, अब हम मरना नहीं चाहते, हम जिंदा रहना चाहते हैं अगर आपकी आज्ञा हो तो। मुश्किल है, ये तो बहुत मुश्किल है। खैर धर्मू, तेरे दोस्त की तरह तेरा भी कोई बचपन का शौक है क्या? अरे अगर कोई शौक है तो हमको बोल, हम तुम्हारा शौक पूरा करेंगे। बोल। नहीं है, लेकिन हमारे बचपन का एक बहुत शौक है, पूछो क्या? पूछ। अरे मुद्दे की हालात पूछ। हम चाहते हैं हम एक गोली से दो आदमी का शिकार करें। चला जा अपने दोस्त के सामने, आ जा सामने।
हाँ मेरे दोस्त, मेरे दोस्त, ये दीवार पे इतनी जोर से मार रहा है जैसे उसके अंदर कुछ पैसे दबे हुए हैं। तू मारेगा 50,000 रुपए बाहर आ जाएंगे। ये गुस्से का काम नहीं है मेरे भाई, अकल से काम कर। मुझे लगता है तेरी माँ की हवेली तुझे वापस मिल जाएगी। वो कैसे? मेरे पास एक खबर आई, पूरन मासी को आदिवासियों का एक कबीला जंगल में बहुत सा असलाह लेके आ रहा है, बंदूकें वगैरह, और माखन सिंह और उसके आदमी वो असलाह उनसे लेने के लिए, खरीदने के लिए आएंगे, और तू और मैं